भाई साहब यार पूरी बालाज गैंग का आज खात्मा करके ही रहना, देख रहे हो कैसे फायरिंग कर रहे हैं, माइकल ट्रेवर पागल हो गया है। शिट गाइस यार बॉम्ब से बचाना होगा लेमार को। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मैक, तो स्वागत है आपका एक और न्यू GTA 5 की वीडियो में। तो भाई थैंक यू यार सबको जो मेरी वीडियो लाइक करते हो, आपने 2K की फैमिली भी करा दी अपनी, 2K से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो भाई लव यू यार। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी आपको पता होगा हम तीनों यहाँ पर टैंक वगैरह ले आए थे यार, जो चौथा टैंक था वो लेमार को लेकर आना था। तो भाई अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लेमार को बालास गैंग वालों ने किडनैप कर लिया जब वो टैंक ले आने लगा, तो भाई उसके साथ रख दिया उन्होंने बॉम्ब उसको किडनैप करके। तो यार हमें जल्दी जल्दी बुला रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाओ, तो यार हम नहीं तो इसको मार। तो भाई देख रहे हो यार तीनों हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, अब तो पूरी बालास गैंग को नष्ट करके रख देंगे। तो यार एक ही व्हीकल में चलेंगे जैसे लेस्टर ने हमें बोला, तो पूरी तबाही मचने वाली है गाइस, यार वीडियो को पूरा देखना। टैंक वगैरह लेकर जाएंगे यार, उनको सीधा ही लगेगा कि हम फाइट के लिए आए हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसी को लेकर चलते हैं, यही है बड़ी तेज स्पीड में भी और वो बुलेट प्रूफ भी पूरा, और एमओ देख रहे हो यार कैसी लुक लग रही है माइकल और फ्रैंकलिन जब ऊपर बैठे हैं। तो यार सच में हमारे पार्टनर को उन्होंने किडनैप कर लिया और इतना ज़्यादा पीटा है वो बेचारा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा सही तरीके से। तो यार पूरा गुस्सा चढ़ रहा, ट्रेवर कह रहा इसी ट्रक को लेकर चलते हैं, इसी से पूरी बालास गैंग का खात्मा कर देंगे। तो गाइज़ यार वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो भाई यार इसकी एमओ वगैरह देखो कितनी अच्छी चल रही है। तो देख रहे हो गाइज़ जिस पे मैं एम हल्का सा बिठाता हूँ तो ट्रेवर और माइकल पूरा चिमड़ी आते हैं उसको। तो भाई अब सिटी की तरफ आ चुके हैं, बस बालास गैंग के नज़दीक ही आने वाले हैं। तो एक कॉल और है, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो इसका मरा मुँह देखोगे। तो भाई यार इतनी समझ तो हमें भी है यार, जैसे वो बुला रहे हैं क्योंकि इतना नुकसान इतनी लड़ाई करी है। तो यार वेस्ट वगैरह तो हमने सारी पा रखी, जैसे जैसे लेस्टर ने हमें प्रोटेक्शन दी थी वो सब हम कर चुके हैं, क्योंकि आर्मर वगैरह से हम पूरे लोडेड हैं। और अपना ट्रक देख रहे हो यार बुलेट प्रूफ है पूरा ट्रक, यार पूरा गुस्सा चढ़ रहा है मैं तो बालास गैंग का आज खात्मा कर दूंगा, चाहे मेरे सामने मिलिट्री भी आ जाए। तो भाई यार चलते हैं यार, देखी जाएगी, सीधा ही उनके घुसूंगा और सीधा ही फायरिंग करेंगे। तो यार मैं नहीं डरता, अब देखी जाएगा। तो भाई यार तू निकल जा पहले यहाँ से। तो भाई अब बिल्कुल भी नहीं डरना। तो माइकल और ट्रेवर का भी यही मानना है कि सीधा इनके इलाके में जाके गोलियां बारी। तो भाई आगे हैं तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर हमने गोलीबारी पूरी चलानी शुरू कर दिया, देख रहे हो यार हमारे ऊपर भी फायरिंग हो रही है। तो बस यार लेमार ठीक हो। तो भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा फायरिंग होने लगी, वो भाई साहब पूरी फील्डिंग लगा रखी है हमारे लिए। तो भाई बजूका पड़ने लगी हमारे। तो यार शुक्र करो मिलिट्री वेस्ट वगैरह हमने पार किया और एमओ वगैरह लोडेड है। तो देख रहे हो यार हमें कुछ नहीं हो सकता यार, इनको बहुत ही ज़्यादा तेज मारना पड़ेगा अपने को। तो यार पहले मैं ट्रक को घुमा के ले आता हूँ, भाई साहब यार बहुत ही ज़्यादा बहुत ही नुकसान हो गया यहाँ पे। तो सही है यार, नुकसान होना भी चाहिए, और इनके बंदे और लेडीज़ वगैरह वुमेन वगैरह सब लड़ रही हैं यहाँ पे। तो देख रहे हो गाइज अब मुझे उतर के इनके ऊपर बजूका चलानी पड़ेगी तभी टिकेंगे ये। तो भाई देख रहे हो बजूका हमारी कैसे फील्डिंग जमा रखी थी इन्होंने पूरी। तो यार हमें पूरा बुला रहे थे आराम से, हमें पता था यार ये सब यही करेंगे। तो यार आज तो बात होकर रहेगी पूरी, फाइनल कर देंगे आज तो। यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा तो इसको भी मारेंगे। तो देख रहे हो यार बजूका चला रहा, पता नहीं क्या चला रहा है वहीं से। तो यार दीवार के पीछे से चला रहा है छुप के। तो भाई देख रहे हो यार बजूका मेरे पैरों के पास गिर रहे हैं, अपने को वो भी कुछ नहीं रहा। तो यार ये सब कुछ लेस्टर की मदद से है, उसने ऐसी प्रोटेक्शन हमें दी है मिलिट्री वेस्ट वगैरह की, हमें कुछ नहीं हो सकता चाहे हमने मास्क पाया है नहीं। तो देख रहे हो कैसे आ रहे हैं ये, यार सबको मारूंगा बेटा आज, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, इनमें सबको ख़त्म करेंगे। तो देख रहे हो यार फायर एक्सटिंग्विशर वाले भी वहीं से मुड़ रहे हैं। तो भाई देख रहे हो लेडीज़ भी बजूका चला रही, तो इसको भी उड़ाएंगे पहले। तो यार लेडीज़ को तो मेरा मारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या काम करें सब यहाँ पर ऐसे हैं, पूरे यहाँ पर गुंडा टाइप गैंग बनी है पूरी। तो यार ट्रेवर को पता नहीं क्या हो गया, गिर क्यों रहा है ये। तो भाई देख रहे हो ऊपर से मार रहा, तो इसको पहले मारते हैं। तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो बालास गैंग को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नाक में दम कर रखा था। देख रहे हो बजूका संभल नहीं रही, तब भी चला रही है ये, अब पिस्टल पे आ गई। तो गाइस यार इसको तो ट्रेवर ही देख लेगा, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यार सही में यार पूरी फील्डिंग जमा रखी थी, इन्होंने लगा कि हम अकेले अकेले करके आएंगे। तो भाई साहब यार थैंक यू कहना चाहूँगा लेस्टर का, क्योंकि अगर हम अकेले आते हैं अलग अलग व्हीकल में तो यार ये तो आराम से हमें मार देते हैं। अब हम एक ही व्हीकल में आए हैं तो ऊपर बैठ के दोनों ने संभाल लिया इधर उधर से, और सामने से मैंने संभाल लिया। तो लेस्टर का भी यही मानना था कि हम एक ही व्हीकल में जाएँ चाहे जो मर्जी व्हीकल हो, और लेके जाना जो बुलेट प्रूफ हो। तो भाई देख रहे हो कैसे इसको मारते हैं बजूका से, कैसे छुप रहा है उस बोरियों के पीछे। तो भाई यार कोई नहीं बच पाएगा यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा दिया था इन्होंने। तो भाई देख रहे हो स्नाइपर चला रहा है, क्लोज रेंज में स्नाइपर चला रहा है। तो भाई उड़ा दिया इसको भी। तो भाई अब तो कौन बचा है, तो भाई ये क्या राइट साइड से भी फायरिंग हो रही थी। तो भाई पहले इसको उड़ाते हैं, बेहोशी हो गया शायद ये। तो गाइस इसको भी उड़ाएंगे। तो देख रहे हो कैसे छुप छुप के मार रहा है भाई, भाई अपने पास है बजूका यार, इनके ट्रक को भी फोड़ेंगे पूरे। तो यार किसी को भी नहीं छोड़ने वाले यार, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दिया। तो देख रहे हो यार इनको भी उड़ाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आग बुझानी आ रही है इनको। तो यार गाइस अपने घर के सामने कुछ हुआ था ये तो बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई साहब देख रहे हो कैसे ग्रिलों में बजा वो। तो
भाई सबको उड़ाएंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले यार, जो भी आए, चाहे इस समय LSPD आ जाए, मिलिट्री आ जाए। तो यार इन्होंने लेमार को कैसे मारा और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था उसका। तो यार मेन बात तो यही है कि लेमार के पास उन्होंने बॉम्ब लगा रखा है। तो यार बॉम्ब का उन्होंने टाइम बोला था कि जब तक तुम नहीं आओगे तो ये फट ही जाएगा, अगर नहीं आओगे तो, अगर आ जाओगे तब भी ठीक है, नहीं आओगे तब भी ठीक है। तो भाई यार उस बॉम्ब, अब पहली बात तो ये है, तो लेमार को तो भाई देख रहे हो यार कैसे मैं बातों में लगा रहा हूँ, ये कैसे आ रहा है मेरे ऊपर। तो यार ये भी पूरे दुश्मन ही बने पड़े हैं अपने। तो यार इनको उड़ाएंगे, बहुत ही लटक लटक के जा रहे हैं, अब ज़मीन से चिपक गए, पहले ट्रक से चिपके थे। तो भाई बहुत ही अच्छा हुआ आज तो यार पूरी बालाज गैंग के साथ। यार और बंदे आ गए सामने से यार, ये तो आते ही जा रहे हैं। तो यार ये तो पूरी गैंग है, इन्होंने पूरा इन्फॉर्म कर दिया होगा कि अपने मोहल्ले में हमला हो गया अपने एरिया में। तो यार जल्दी जल्दी आओ सब जने, तो भाई जल्दी जल्दी हमें यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। तो भाई यार मेन प्रॉब्लम तो है, इन्होंने लेमार को पता नहीं कहाँ पर छुपा के रखा है। तो भाई ये देखो लेडीज आ रही थी तो इसके पैरों में लगी, यार पैरों पे ही मारी, इसके हेड पे नहीं मारी अभी, तो वो तो बेचारी लटखड़ा के वहीं पर गिर गई। तो भाई अब लेमार को ढूंढने चलते हैं। भाई यार लेमार को यही तो प्रॉब्लम, उन्होंने बॉम्ब भी फिट कर रखा है उसके पास। तो यार चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही है किसी की पीछे से, तो भाई माइकल और ट्रेवर भी मेरे पीछे ही आ रहे हैं। तो यार फ्रैंकलिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, तो भाई देख रहे जब मैं थोड़ा आगे गया तो और बंदे आ गए यहाँ पे। तो भाई पहले इनको ख़त्म करते हैं, मुझे लग रहा है जब मैं आगे जा रहा था तो इनको पता चल गया कि लेमार के पास ही आ रहा है। तो यार ये हमें मारने के लिए आ गए, तो देख रहे हो तीनों कितनी औसम लुक में है और पूरी फॉर्म में, तो सबको उड़ा डालेंगे ये। तो भाई मैं तो सही कह रहा हूँ यार, मिलिट्री आ जाए चाहे इस समय LSPD और पुलिस वाले आ जाएँ, तीनों भाई सबको उड़ा देंगे। पर यार एक ही प्रॉब्लम है, बस थोड़ी देर तक अपने पास वेस्ट रहेगी यार, ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती वो, उसका भी टाइम होता है, क्योंकि यार है आपको पता है लेस्टर हैकर है तो वो भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो यार अपने को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बंदे आने लग गए यहाँ पे। तो यार देख रहे हो GPS में एक लोकेशन आ रही है सामने की तरफ, बंदा तो देख रहे हो ये गाड़ी गुड़ी में आ रहा है, शायद बहुत ही तेज़ आ रहा है सामने से। तो भाई इसको भी मारते हैं, कितने का तेज़ आ लेगा ये। तो मुझे लगता है जो इनमें से बंदा बच जाता है वो जाके इन्फॉर्म कर देता है। तो भाई देख रहे हो इस ट्रक के पीछे आके कवर ले लिया उसने, तो भाई इसके हेडशॉट ही देंगे। तो भाई अब तो पक्का ही देंगे। तो भाई देख रहे हो पहले सामने इसके हेडशॉट लगा, फिर इसकी हैट गिरी, तो ये अब खुद भी गिरा। तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं यार अब लेमार को ढूंढने, कोई पीछे की तरफ से अब चिल्ला तो रहा था, तो अब चेक करते हैं एक बार लेमार तो नहीं है कहीं, वो कोई हेल्प कह तो रहा है यहाँ पे। तो भाई कहीं इन्होंने घर में तो नहीं छुपा रखा, तो इसको तोड़ के देखते हैं। तो भाई यार फायरिंग करके भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यार आगे की तरफ चलते हैं, ये कौन सी सीक्रेट लोकेशन है इनकी। तो ट्रक वगैरह खड़े पड़े हैं यहाँ पर, डैमेज हैं सब। तो भाई साहब ये है लेमार, यार बॉम्ब तो कहीं नहीं है, ये झूठ बोल रहे थे शायद। ओ भाई साहब बॉम्ब इसके पास ही रखा, तो मैं पहले दूर हो जाऊँ थोड़ा सा, कहीं मैं भी उड़ जाऊँ। भाई मैं तो पूरी चौड़ में आ रहा था, सामने आके देखा बॉम्ब है नहीं, जब देखा तो बॉम्ब था वहीं पे। तो भाई इसको बुलाते हैं। तो भाई लेमार उठ के आ गया, ये तो बेहोश सा हो रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। तो भाई देख रहे हो जब ही हम वहाँ से लेमार को लेकर आए उसी समय बॉम्ब फट गया। तो और भी बंदे आ चुके हैं यार, कितनी बालास गैंग में बंदे हैं, इतनी तो आर्मी में भी नहीं है। तो यार कोई बात नहीं, आने दो, सबको उड़ाएंगे, पर हमें निकलना भी पड़ेगा यहाँ से। अभी लेस्टर का कॉल आया कि तुम्हारी बैच ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, उसका टाइम भी होने वाला है, लेमार को लेकर जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी यहाँ से। तो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, बजूका से ही ख़त्म करेंगे इनको सबको। तो यार ये छुप के पता नहीं क्यों आ रहे हैं, मार रहे हैं ये सीधा डायरेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि यार इनको भी पता है हम हो चुके हैं चार। पर यार लेमार को मैंने यहाँ से हटा दिया, उसको बोला तू गाड़ी में बैठ। तो यार वो गाड़ी में तो कह रहा मैं नहीं बैठूंगा, पर वो कहीं कवर में हो गया दीवार के, क्योंकि यार उसको चक्कर भी आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पीट दिया उसको। तो भाई ये क्या गाड़ी आ रही है बालास गैंग की, इनके हेडशॉट दे दिया, तो ये साथ में भी बैठा कोई। तो देख रहे हो गाइस कैसे इसकी टक्कर होगी यहाँ पे। तो भाई उतर रहा था अपने लिए, मारने के लिए अपने को। तो भाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यहाँ से, यार बंदे आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं, मैं तो बंदों का नहीं समझ आ रहा। तो यार ये फायर वाले बेचारे आग बुझाने आए थे, खुद ही आग बन गए यहाँ पे। तो भाई इसके भी देंगे एक बॉडी शॉट। तो देख रहे हो यार मुझे लगता है ट्रक ही इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो देख रहे हो अगर हम उसकी जगह होते, अब ट्रक अपने ऊपर पक्का चढ़ना ही चढ़ना था। तो यार उसको पता चल गया कि बालास गैंग वाला, मतलब लग रहा है बालास गैंग का ही मेंबर है, इसका ट्रक भी फोड़ेंगे पूरा। तो यार पूरे एरिया में मैं स्टिकी बॉम्ब फेंक दूंगा, आपको पता है अपने है स्टिकी बॉम्ब फेवरेट। तो भाई किसी को नहीं छोड़ा बालास गैंग की, तो पूरा मैप से उड़ा देना है लॉस सैंटोस के, कि बालास गैंग का भी इधर कोई एरिया है। तो भाई बॉम्ब वगैरह प्लांट कर दें, जब चलते हैं यहाँ से। तो लेमार यार ब्रोकन वॉल के पीछे ही बैठा था, तो वो भी आ चुका है अब। तो यार बंदे हटने का नाम ही ले रहे, तो चलो छोड़ो इनको, तो यही देख लेंगे दोनों। तो जब जल्दी जल्दी बैठते हैं अब यहाँ से, बस निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यार हम सीधा तो अपने घर पे नहीं जा सकते, आपको पता है फ्रैंकलिन घर पे भी खतरा, माइकल के भी खतरा, और ट्रेवर का तो घर ही नहीं किसी को पता। तो भाई ट्रेवर के पास घर होगा तो ही तो पता होगा। तो यार इतने पैसे तो हैं, ये ले सकता घर, पर ये यार सीक्रेट लोकेशन पर रहता है, तो उसी लोकेशन पर हमें जाना पड़ेगा। लेस्टर ने भी वही लोकेशन बताई है, ट्रेवर भी वही लोकेशन बता रहा है।
कि हमें 3-4 दिन यार वहीं पे रहना पड़ेगा। ट्रेवर के विलेज के पास कोई सीक्रेट प्लेस है तो यार वो गैरेज टाइप है। लेस्टर कह रहा है कि कुछ दिन वहीं पर रह लो तुम चारों, कि सिटी में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो सही है यार, लेस्टर भी सही कह रहा है। तो गाइज यार इस तबाही के लाइक तो पक्का बनता है और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो भाई देख रहे हो यार हर जगह गैंग ही गैंग है। तो यार विलेज में आए हैं ट्रेवर के, तो यार ये बाइक गैंग वाले परेशान कर रहे हैं। तो देख रहे हो यार हमसे जीत लेगा ये, तो इसको तो यार रुक के वहीं पर जाके उड़ाऊंगा इसको। बहुत ही ज़्यादा चोट में आ गया ये। तो भाई मुझे लग रहा छोटी सी गाड़ी थी इसकी, तो इसको वेपन दिखे नहीं ऊपर लोडेड, तो सामने टक्कर मारता रह गया अपने। तो भाई इसको तो पक्का उड़ाएंगे। तो लेमार तो अपने साथ ही बैठा बेचारा, चुप चुप हो गया, तो बिल्कुल सुन पड़ा ये। लेमार को यार इतना पीट दिया अपने, होशोवास खो चुका है लेमार। तो भाई यार इसको तो पानी वगैरह पिलाएंगे, इसी में लिटाएंगे अगर ऐसे हुआ तो वहाँ पे, तो यार तब जाके थोड़ा सही होगा। तो भाई साहब यार वहाँ से अब सीधा आ चुके हैं हम आगे की तरफ। तो यार विलेज में तो एंटर हो ही चुके हैं, तभी विलेज में बाइक गैंग दिखी है। तो यार ये भी खतरा, एक बाइक गैंग हमला कर दे कभी भी। तो भाई यहाँ से हमने ले लिया राइट, तो यार लोकेशन पर हम अपनी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो भाई यही है वो रूम जो गैरेज टाइप है, गैरेज क्यों है वो रूम है एक। तो यार वहीं पर हमें चारों को रुकना पड़ेगा। तो यार इसको मैं सोच रहा हूँ कोई देखना ले यहीं पर, इसको कहीं पार्क लगा देते हैं। तो यार यहीं तो नहीं लगाएंगे इसको, थोड़ा रूम के सामने लगाएंगे पार्क। तो यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पूरी बालास गैंग का खात्मा करके। यार पूरी बालास गैंग तो आपको भी पता नहीं मरी होगी अभी, कुछ बंदे जिंदा होंगे यार। तो यार क्या कर लेंगे यार, इतने 100 बंदे हम 200 बंदे वहाँ पे मारे आए। तो भाई देख रहे हो अब लेमार पूरा डर चुका था, तो अब सही हो गया बेचारा, थोड़ा सा इसको होश आया। तो यार इनको भी अंदर ही लेके चलते हैं, सीधा चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। तो भाई अंदर आ चुके हैं यार, सही है यार रूम इतना भी, पर ठीक है हम रह लेंगे। तो भाई यार आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी वीडियो में, तब